die Explosive ist abgesagt, wo Experience. Und ich darf so ein Getter, wo Strike Rate. Und ich darf wo Consistent Run Getter. Getan, McLaren. Ich so ein Talis, wo Strike Rate. Sultana, genau da die. Und Swagat Getter, Chopra Ji, Aapka. शुक्रिया चोपड़ा जी, शुक्रिया शुक्रिया, मजा ही आ गया आज तो। मैं तो कहती हूँ लोग लोग स्वागत करते हैं, मैं तो इस स्वागत का इंतजार करती हूँ। देखिए मैं भी स्वागत करती हूँ और मैं प्लानिंग भी करती हूँ, मैं भी स्वागत करती हूँ छोटी गेंद का और गौहर सुल्ताना का। 11 में चेंज किया और सुल्ताना को बॉलिंग अटैक पे लेके आई, लेकिन आसान नहीं रहेगा इस जोड़ी के सामने। पर जब सामने वो मैक्लानिंग, इतना जल्दी वो छोटी गेंद को रीड करती है ना, कट और फुल शॉट्स के लिए वो पोजीशन। तो इस जोड़ी को स्वागत की जरूरत नहीं है सुषमा, बिकॉज ये तीन हाफ सेंचुरीज, तीन सेंचुरी शतक पार्टनरशिप लगा चुके हैं, तो ये दोनों तो वेट ही करते हैं कि कोई इनको छोटी डाले, कोई इनको फुल टॉस डाले, हम कैसे छक्का मारे या चौका मारे। वैसे आज स्पेशल अपीयरेंस अंजुम 8 मार्च है, इसलिए क्योंकि पिछले दो दिन से आप दिखी नहीं। मैं ग्वाची हुई थी ना, सिटी में इतना काम है, स्टेडियम में इतने काम है कि मैं सब सेट कर रही थी कि पिछले तीन दिन में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, ताकि शफाली चौका या छक्का मार सकें। देखो ऐसे शॉट्स भी अलाउड हैं। 170 का स्ट्राइक रेट इनका वो पावर प्ले में रहता है, पर हर तीसरी गेंद सीमा रेखा के पार जाती है कुछ इस तरीके से, बैकफुट पे जाके सिर्फ दिशा ही दिखाई इनकी धनी। 800 चौके और अभी पिक्चर बाकी है वुमेन प्रीमियर लीग में। ये मुकाबला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग और 500 इस प्रतियोगिता के वो चौके पूरे हुए और बहुत ही खूबसूरत वो 500 और चौका शिफाली के बल्ले से। नहीं, इतने प्यार से गैप में शॉट मारा था शिफाली ने। अब साइमा ठाकुर आ गई है, नई गेंद इनको कम मिली है इस टूर्नामेंट में, पिछले मुकाबले में पहली बार गेंदबाजी करने का अवसर मिला था। लेकिन शिफाली वर्मा, अंतिम गेंद पिछले ओवर की, कितना टाइम था इनके पास, पहले मैक्लानिंग ने थैंक यू बोला था और लास्ट गेंद पे शिफाली ने बोल दिया। और जोरदार वो अपील, जी हाँ, विश्वास के साथ और तुरंत इशारा किया कि लेंगे रिव्यू। TV umpire to director, we have a player review for TVW. On field decision is knocked out. Feet check is fair delivery. Let's start with the front on screen vision, please. Can you rock and roll that, please? There appears to be some bad thing going on. Can we just check the first contact, please? Keep it rolling.
is favorable ball like this. Take it back, please. Can you go frame by frame from in front of the back? Bring back, please. Take it back. Take it forward. One frame forward. One frame forward, please. Thank you. There's a clear spike when the ball is next to the back. Satisfy the first contact is with the back. I'll move back to Parashkar on the screen. Parashkar, you can save your decision. I'll now get on the screen if it's in. Not out, blindside wedge top. But कम से कम जो पिछला गेंद गिरा था और टपक खाने के बाद तेजी से अंदर आया, कम से कम साइमा वैसी कुछ और गेंदें इस ओवर में डालेंगे तो वहां मौके बनते हैं विकेट के। ओवर में दो या तीन ऐसी गेंदें गिर जाएं तो फिर आप एक बैटर को परेशान कर सकते हैं। करती भी है अंदर बाहर, डोमेस्टिक में हमने देखा है बहुत बार नए बॉल से वो मूवमेंट कराती हुई। अभी तक मिला नहीं था ना नया बॉल, आज मिला है। बढ़िया फील्डिंग श्वेता शेरावत। जब नया गेंद मिलेगा तो आप पोस्ट स्विंग कराना जब जानते हो तो आप कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आता है एज अ बॉलर कि आज आप अपनी स्ट्रेंथ पे। लेकिन उससे पहले नजर डालिए सिंटेक्स सिक्स ऑफ द सीजन शेफाली वर्मा, 6 मैचेस में 11 छक्कों के साथ टॉप पे। और 81 मीटर का वो सबसे लंबा छक्का। जब जब गेंद वो पाले में रहती है तो निडर होके बल्लेबाजी करती है और यही ताकत भी है शेफाली की कि हमेशा वो एक प्रेशर बना के चलती है बॉलर के ऊपर। बिना किसी नुकसान एकलसन 23 विकेट है मींस प्रीमियर लीग में इकोनॉमी बहुत से कम किफायती फिर गेंदबाजी करते हैं। अंजुम सुषमा अगर 138 डिफेंड करना है तो इनके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी, अगर ये विकेट चटकाते हैं और फिर दूसरे छोर से किसी और को भी वो जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि अगर 138 डिफेंड करना है तो फिर जैसे बल्लेबाजी पार्टनरशिप पेयर्स में वैसी गेंदबाजी भी, क्योंकि ये अगर एक तरफ से प्रेशर बनाएंगे लेकिन दूसरे छोर से भी प्रेशर बनाना जरूरी है। ये तो यूपी वॉरियर्स की कहानी है कुछ WPL सीजन 2 की। पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली थी इनको लेकिन उन्होंने दबाव जरूर बनाया था। अंदरूनी किनारा, लगातार वो प्रेशर बनाती हुई लेकिन इस गेंदबाज की पास गति है तो वो 4 रन मिलेंगे। भाग्यशाली वो 4 रन और टूर्नामेंट का ये 501 नंबर का कुंडरी आता हुआ। काफी हटके खेलने की कोशिश थी, एज कर बैठी सोफी एक्लेस्टन। बार बार वो स्टंप पे अटैक करती हुई शेफाली के लिए।
तरीके से ये साझेदारी थी क्योंकि वॉरियर्स के विरुद्ध पिछली बारी जब हमने सामने दोनों टीमें भिड़ी थी खतरनाक ये जोड़ी शिफाली और मैग्लैनी तरीके से बॉलिंग के ऊपर पेस और स्पिन हो मजबूत कनेक्ट है पर बात ये भी जिस तरीके से सोफी एडिक्सन ने पिछला गेंद भी डाला था जब इनके हाथ से गेंद निकलता है तो सिलाई पे घूमता ये वो अर्शद के साझेदारी जब जब यूपी वॉरियर्स के सामने ये दोनों उतरे हैं वो अर्शद की साझेदारी रही है और विकेट चटकानी हो वो अनुभव है सोफी एकर्सन के पास और ये चीज शेफाली और मैग्लैनिंग दोनों जानते हैं इनके खिलाफ शायद वो जोखिम नहीं उठाएंगी गैप में धकेला स्ट्राइक अपने पास रखेंगे कप्तान माने 20 बिना किसी नुकसान रन मिलेंगे ऑन साइड पे वो एक नहीं दो दो जब 138 रन बोर्ड पे हो ज्यादा बड़ा टोटल ना हो तो बस और बेहतर अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है सबसे सफल जोड़ी टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग में 719 रन मैग्लैनिंग और शेफाली वर्मा सबसे खतरनाक जोड़ी 719 रन और दूसरी पारी से या दूसरे पैर से कितना आगे हैं वो तो आप देख ही चुके हैं सुषमा हम तो हमेशा बोलते रहते हैं कि ये दोनों बहुत खतरनाक बैटिंग पेयर है पर ऐसा क्या है क्योंकि आप तो अफकोर्स क्रिकेट खेल रहे हैं आप इनके विरुद्ध भी खेलते हैं आप इनके साथ भी खेले हैं खासतौर पर शेफाली वर्मा के साथ ऐसी क्या चीज है जो इनको इतना खतरनाक या खास बनाती है अग्रेसिव साइमा अंजुम जी अगर बात करें ना कि दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं किस तरीके से लेनिंग शॉट्स दोनों के पास है लेकिन शेफाली जिस तरीके से अटैक करती है ना उनको वो पूरी फ्रीडम जिस तरीके की मिली है कि वो अपने शॉट्स खेले जो उनके पास है वो श्लॉग करती रहे और लैंडिंग दूसरे एंड से बार बार जाके उनसे बात करके वो इनिंग को स्टेबलाइज करना कि वो कैलकुलेटिव वो कैलकुलेशंस हमेशा ऑन रखती है कि किस तरीके से किस बॉलर को और जो शॉट सिलेक्शन है ना वो दोनों की मजेदार है क्या एग्रेशन कह रहे थे आप और क्या रिवॉर्ड मिला गेंदबाज को इसके बाद वो शेफाली की तरफ देखेंगे नहीं सिर्फ बताएंगे कि आप स्कोर बुक देख लीजिए जी हाँ कल हरमन आज शेफाली ये एग्रेशन तो बनता है साइमा ठाकुर के लिए डोमेस्टिक में ये खिलाड़ी अच्छा करती भी आ रही है और जब आप बड़े विकेट लेते हैं ना शेफाली हरमन तो इस तरीके की सेलिब्रेशन बनती है शेफाली वर्मा 15 रन बना के वापस दोगे 22 पे
एलिस कैप्सी 326 रन 145 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। अच्छे रिदम से गेंदबाजी करी साइमा ठाकुर। कई बार अगर विकेट से ना मदद मिल रही हो तो फिर आप बैटर का कॉन्सेंट्रेशन तोड़िए। ये एग्रेशन देखिए, जो भी ये बॉल भी डाला, फिर वो स्टेयर देखिए, वहां आगे तक जाके शिफाली को थोड़ा सा घूरा और शिफाली जो है बड़ी हिट मारने की कोशिश में अपने आप वापस आउट होके दगआउट की तरफ चली। तूने घूरा और मैंने घूमा और फिर मैं चला। साइमा ठाकुर खुश होना चाहिए आपको। 22 पर एक। एक विकेट के नुकसान पर और वो बड़ी सफलता हासिल की है यूपी वॉरियर्स ने शिफाली वर्मा की। और पिछला ओवर जो था साइमा ठाकुर उस अग्रेशन के साथ गेंदबाजी, उस इंटेंट के साथ गेंदबाजी, और थोड़ी नोकझोंक हुई जरूर, एक अर्ली कॉल, और वो सफलता हासिल की साइमा ठाकुर ने, वो भी शिफाली वर्मा की। लेकिन शिफाली वर्मा के दो गेंदों पर निशा, ध्यान दीजिएगा, ये लीजिए शिफाली वर्मा, आइए उसका, ठीक है आएंगे, इंतजार कीजिए, जाके बताया कि मैं आऊंगी, अगर हिम्मत है तो मारिए। उन्होंने कहा कि मैं हिम्मत दिखाती हूँ, लेकिन उस हिम्मत के आड़े आई साइमा ठाकुर की वो गेंद। अच्छी बात क्या थी उस गेंद की कि उसमें एग्रेशन था और आपने स्टंप्स पे गेंद रखी, और गलती कहाँ पे हुई शिफाली वर्मा से कि आड़ा खेलने गई। ये विकेट अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, मैं अभी भी बोल रही हूँ, बस सीधा खेलिए, रन्स आएंगे। रन्स आएंगे, पर वो जो ओवर था साइमा ठाकुर का, जिस इंटेंट के साथ उन्होंने गेंदबाजी की थी, फेयर प्ले अवार्ड, स्पिरिट ऑफ द गेम कायम रखने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास है 62 पॉइंट्स, दिल्ली कैपिटल्स 49, यूपी वॉरियर्स के पास है 7 पॉइंट्स। एक रचनात्मक शॉट मारने की कोशिश, रिस्क लिया था वहां पर एलिस कैप्सी ने, अब तक ऑफ द मार्क नहीं हुई है। ये मौका है, प्रेशर आपने बना दिया चार बॉलों को, अब कैप्सी कोई बड़ी शॉट खेलने जाएगी, यानी ये वाली गेंद ना सबसे महत्वपूर्ण गेंद होनी चाहिए, इसको स्टंप्स पे डालिए, मजबूर कीजिए कि वो आड़ा खेले। अच्छी गेंदबाजी करी है यहाँ पर सोफी एकलस्टन ने। दूसरा ओवर केवल 8 ही रन दिए हैं और सपोर्ट भी अच्छा मिला है साइमा ठाकुर, 2 ओवर 6 रन और 1 विकेट। बहुत अच्छी कप्तानी रही है हीली की, जिस तरीके से साइमा ठाकुर को पहले लेके आई। ओवर समाप्त, 5 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स 23 पर एक। आखिरी ओवर पावर प्ले का साइमा ठाकुर का, यह तीसरा ओवर केवल 6 रन और वो बड़ी सफलता शिफाली वर्मा की। और उस ओवर की ही हम चर्चा कर रहे हैं रीमा मल्होत्रा के साथ कि वो एग्रेशन जो दिखाया था, कल भी हमने गेंदबाजी देखी थी साइमा की, अब पहला विकेट उनका, तारा डब्ल्यूपीएल का कैप्टन कौर हरमनप्रीत कौर को कल आउट किया था, और आज
उनका दूसरा विकेट एक और बड़ा विकेट, ये शेफाली वर्मा का, वो भी पावर प्ले में। लेग साइड की गेंद, बस दिशा देनी, चौका मिलेगा मैकलैनिन को। यही नहीं करना है आपको, जो डाउन द लेग आप डालेंगे ना तो यहाँ पे बैटर्स की आप मदद करेंगे। लाइन ठीक है, लेंथ ठीक है, लेकिन लाइन ठीक नहीं है, माफ कीजिएगा। डाउन द लेग जो गए ना उसके चलते वो चार रन दिए, इससे पहले आपने विकेट लिया है। और मैं अभी भी कहूँगी अच्छी कप्तानी, अच्छी कैलकुलेटिव रिस्क है जो उन्होंने लिया कि आप अपने बाकी स्पिनर से पहले साइमा ठाकुर को लेके आए। और तीसरा ओवर डाल रही है पावर प्ले में, ये बेटर लेंथ बेटर लाइन, लेकिन सामने थी मैकलैनिन की वो टाइमिंग, टाइमिंग के साथ अगर आप प्लेसमेंट जोड़ देते तो जोड़ दीजिए चार रन भी। और ये फिर एक बार प्रेशर गेंदबाजी पर, क्योंकि दो चौके जब आते हैं इस ओवर में, जो आखिरी ओवर है पावर प्ले का, 503 चौके, और इस तरह वो पुश प्लेस किया था चौका। जी हाँ, लेकिन यहाँ से निराश नहीं होना चाहिए साइमा ठाकुर को, क्योंकि ये गेंद अच्छी थी। अब अच्छी गेंद पे मैकलैनिन ने वो क्लास शॉट मारा है ना, तो उसके चक्कर में आप लेंथ बदलिएगा मत। लेकिन साइमा ठाकुर के दो मैच बहुत बेहतरीन रहे हैं पिछले मुकाबले में हरमनप्रीत कौर। थोड़ने का जगह मत दीजिए, अगर आप जगह देंगे तो कबूल कर दिया मैकलैनिन। तीन चौकों की है हैट्रिक, तीन चौके, और आए हैं साइमा ठाकुर के ओवर में जिन्होंने पिछले ओवर में विकेट ली थी, ऐसा तो लगा नहीं। और जब भी आप रूम देंगे तो वो शॉर्ट बॉल हो, मिडल एंड लेग पे, ऑफ स्टंप के बाहर, ये जो कट शॉट्स मारती है, जो प्लेस करती है, बैक का फेस ओपन करके भी जब खेलती है मैकलैनिन, ये उनकी खासियत है। बैकवर्ड पॉइंट पॉइंट कवर फील्डर्स है, फिर भी गैप बड़ी आसानी से निकालती है। सीधा बल्ला, बेहतरीन बल्लेबाजी। शिफाली वर्मा को ये सीखना होगा, लेकिन जिसके हम बात कर रहे हैं कि पिछले मुकाबले में हरमनप्रीत कौर को देखिए कहाँ गेंद डाली थी, और सेम गेंद डाली इन्होंने शिफाली वर्मा को। यानी आपको सफलता कब मिली है, जब आप बॉक्स स्टंप पे गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टंप के बाहर नहीं। ये बहुत बड़ा विकेट है जिसको आपने बाहर पहुंचाया है, ये खतरा था जो आपने टाला है। तीन के आए या इस ओवर से, पावर प्ले की समाप्ति 35 पर 1। प्ले कंपैरिजन अगर करेंगे तो यूपी वॉरियर्स 44 पर 1, दिल्ली कैपिटल्स 35 पर 1, तो 9 रन कम बने हैं दिल्ली कैपिटल्स के। और विकेट भी खोया है वो अटैकिंग बैटर शेफाली वर्मा का, एक्टरसन की जगह पर गौहर सुल्ताना, जिन्होंने पहला ओवर डाला था इस इनिंग्स का। पावर प्ले में या जो आप यूपी वॉरियर्स ने रन्स रोकने में या जो सफलता हासिल की, और वो बड़ी विकेट, जब आप शेफाली वर्मा को आप आउट करते हैं तो अच्छे फॉर्म में है, पावर प्ले फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का पूरी तरह फायदा उठाते हैं, पर ऐसे बैटर के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी। पावर प्ले में शुरुआत ठीक ठाक थी अगर आपने एक विकेट गवाई है, लेकिन तो शॉट्स में नजर डालिए, जब जब अलॉन्ग द ग्राउंड शॉट्स के लिए, जब जब टाइमिंग पे भरोसा जताया है तब तक रन आए हैं, लेकिन जब आपने खराब शॉट के लिए आक्रामक सोच आप रखी है, लेकिन समझदारी साथ में रखनी होगी। लेकिन उसके बाद मैकलैनिन के बल्ले से वो जो तीन चौके आए ना, उसमें मैकलैनिन की वो क्लास नजर आई, क्योंकि एक गेंद खराब थी जो डाउन द लेग गई थी प्रसन्ना, लेकिन उसके बाद की वो जो दोनों शॉट्स थी ना, आप उसको एक बार नहीं, आप उसको बार बार देखना चाहेंगे, वो प्योर क्लास शॉट थी। अच्छे से प्लेस कर दिया है,
और इस चौके की मदद से अब मैकलेनिंग डेफिनेटली बन सकती है पंच डॉट टीवी इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच की दावेदार। ना अगेन बहुत छोटी थी, डाउन द लेग थी, अपने पास आने दिया उस गेंद को और ये सुनिश्चित किया कि वो फाइनल खेले क्योंकि डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद था। गौर सुल्ताना, अनुभव है इनके पास, इस्तेमाल कीजिए, बेहतर बेहतर है ये। पर जिस तरह से मैक लैनिंग ये पुल शॉट्स मारती है, थोड़ी भी गेंद अगर शॉट हो तो जिस तरह से उनका फुटवर्क होता है वो टेक्निक को इस्तेमाल करती है और फिर वो कट हो, पुल शॉट्स हो, स्पिनर हो, मीडियम पेसर हो, और सिर्फ शॉट्स नहीं प्लेसमेंट भी, हमेशा गैप्स ढूंढती है चाहे कितने भी फील्डर्स सर्कल में हो। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स 40 एक विकेट के नुकसान पर। ओवर समाप्त हो गया है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सभी मैच की कमेंट्री का फ्री में मजा लीजिए। थोड़ा वक्त निकाल कर लगे हाथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओवर समाप्त हो गया है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सभी मैच की कमेंट्री का फ्री में मजा लीजिए। थोड़ा वक्त निकाल कर लगे हाथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओवर Punch.ev इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, मैक लैनिंग और अब एलिसा हिली 109 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रही है मैक लैनिंग। अच्छी फ्लाइट दी थी वहां पे, फुटवर्क वहां पे, एलिस कैप्सिका उस बॉल के पिच तक पहुंचना चाहती थी। और दीप्ति शर्मा टाटा WPL के करियर में 13 विकेट्स, आज बैटिंग भी बेहतरीन की थी उन्होंने। जी हाँ, ऑलराउंडर हैं, उसकी भूमिका बखूबी निभाते हुए, लेकिन कैप्सी के आप नंबर देखिए, 9 गेंदों पे 1 रन, पावर हिट है ये, पावर हिट है, स्विच हिट, मारना चाहती थी, स्ट्रगल कर रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कैप्सी को सोच रखनी चाहिए कि आप सीधा मारिए क्योंकि आपके पास वो ताकत है वो बाउंड्री क्लियर करने की और सामने ऑफ स्पिनर है, यानी वो आपका जोन होना चाहिए। ये आप करेंगे ना तो आप जोखिम उठा रहे हैं, तो जोखिम उतना उठाइए जितना नुकसान ना दे आपको। वो दिख रहा है क्योंकि रन्स नहीं आए ये ओवर में भी, पहले 3 बॉल डॉट बॉल, और जिसके चलते ना मैक लैनिंग का अनुभव देखिए, वो उनके पास गई है बातें करने, लेकिन कैप्सी जो डिप्टी अटैक कर रही है कैप्सी को, वो फील्ड प्लेसमेंट देखिए आपको, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, यानी कि स्टंप्स पे ही गेंदबाजी होगी। अब बात की है मैक लैनिंग ने क्या वो मंत्र दिया होगा कैप्टन ने, गेंद ये नीचे रही थी लेकिन बेहतर तरीका, जितनी बार आप फुल फेस से खेलेंगे ना आप भरोसा रखिए उस पे बस, और सेट होने के बाद फिर आप अपने हिसाब से रन बनाइए। और यही अच्छा तरीका है कि अगर रन्स नहीं बन रहे हैं तो जैसे मैक लैनिंग ने उन्हें कहा था इस गेंद को फेस करने से पहले, एक रन ले और फिर स्ट्राइक पर मैक लैनिंग, शॉर्ट बॉल फिर एक बार एक्सेसिव टाइम किया है और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ी भी शॉट अगर गेंद हो तो पुल शॉट्स बेहतरीन मारती है मैक लैनिंग। जब आप बॉडी को नीचे रखते हैं ना तो देखिए शॉट कितनी आसान नजर आती है, गेंद तो अपने पास आने दे रही है, बॉडी थोड़ा सा लो रह रही थी इसलिए जिसके चलते वो शॉट मिडल हुआ। श्वेता शरावत वहां मौजूद थी, एफर्ट किया लेकिन प्रयास के नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो चार, बेहतर है ये, बेहतर गेंद है, 5 आए 145 पे 1। बच्चे संभालना माँ का काम बन सकता है, नहीं बोलर
अब इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे विकेट चाहिए। आलिया मकवा तीन ही विकेट हैं अब तक उनके WPL के करियर में। यहाँ पे दो विकेट और गिरती है तो गेम इंटरेस्टिंग होगा रिवा, क्योंकि यहाँ से अगर 30 रन और बन जाते हैं तो फिर उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है जब आप 139 चेस कर रहे हैं। तो वो रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 7.5 का, वो फिर 9.75 हो तो फिर वो प्रेशर बनता है कि आपको फिर एक हर एक ओवर में एक हिट चाहिए, और वो तब होगा जब आपको विकेट्स मिले। और विकेट्स मिलने के लिए माहौल सेट है, क्योंकि कैप्सी ने 12 गेंदों पे 2 बनाए हैं। या तो इस ओवर में बड़ी शॉट आएगी या आएगी विकेट, और यूपी वॉरियर्स ने अगर वापसी करनी है तो विकेट गुच्छे में चटकानी होगी। लेकिन सबसे अच्छा नज़ारा आज नजर आया इस मैदान पर, अरुण जेटली स्टेडियम में विमेन क्राउड, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे विमेन्स टीम्स को सपोर्ट करने पहुंची है। तो पिछली बार विश्व कप जो हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया में, वो भी विमेन्स डे पे हुआ था, हाउसफुल थाउजेंड। जोखिम उठाया, रिस्क बिना रिवॉर्ड कहा, ये सोच लिया था कैप्सी ने। जिस रफ्तार की जरूरत थी, जिस चार की जरूरत थी, वो अब मिला है जाके। इतनी गेंदें खेल चुकी थी और फिर अंत में वो थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन आया, और वो तब आता है जब आप बॉल का लेंथ बहुत जल्दी पिक कर ले। पॉइंट लाइक 30 यार्ड के दायरे में सिर्फ दिशा ही दिखाई, ये बल्ले से सामने विकेट के रन नहीं आ रहे। आपके पास ऐसे शॉट्स हैं तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। गेंद कैरी की थी, बैटिंग बहुत अच्छी तरीके से किया था। साइमा ठाकुर वहां मौजूद थी। इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैच था या नहीं था, शॉट तो तेजी से मारा था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन में कैप्सी आपको पहले पायदान पे नजर आ रही है, श्वेता शरावत, अमनजोत कौर, लिशफील्ड, इजी वोंग, कैप्सी के नाम रन हैं। आज थोड़ा सा स्ट्रगल करें लेकिन समय ले लिया है, बस अब यही करना होगा कि निखिल साथ देना होगा मैकग्लेनिंग का। अब यहाँ से वो साझेदारी जो है 29 रनों की, अब 30 वो गेंदें मैकग्लेनिंग भी जानती है कि अगर विकेट यहाँ पे नहीं देती या आप यहाँ से 20 ओवर खेलते हैं तो आप मुकाबला जीत रहे हैं, और जैसे और करीब जाएंगे तो फिर आप 18वें ओवर में मुकाबला खत्म करने को देखेंगे। और यूपी वॉरियर्स के लिए सिर्फ आप तभी गेम में आ सकते हैं जब आप विकेट चक्का, और वो भी लगातार अंतराल पे। मैकग्लेनिंग भी बहुत ही अनुभवी कप्तान है, जानती हैं कि एक चेस को किस तरीके से आगे लेके चलना। इसलिए तो इस मुकाबले में रोमांच था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स हैं जो सीधा प्लेऑफ्स में जाना चाहती हैं, सामने यूपी वॉरियर्स हैं जो इस टूर्नामेंट में जीवित रहना चाहती हैं। एक चौके के साथ फिर वो सिंगल्स, फिर भी आपके पास इस ओवर से 8 रन आए, यहाँ से 86 रन चाहिए, 66 गेंदें बची हुई हैं और यूपी वॉरियर्स को चाहिए विकेट्स। समय हो गया स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। ओवर समाप्त हो गया है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सभी मैच की कमेंट्री का फ्री में मजा लीजिए। थोड़ा वक्त निकाल कर लगे हाथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओवर समाप्त हो गया है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सभी मैच की कमेंट्री का फ्री में मजा लीजिए। थोड़ा वक्त निकाल कर लगे हाथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।
बहुत देर से सभी इंतजार कर रहे थे कि राजेश्वरी गायकवाड़ को लेके आई है, आप मौके बनेंगे वो विकेट के। एक विकेट जुड़ी वो शिफाली, और ये ट्रू सेंस में रीमा कह सकते हैं कि ये कमाई थी। साइमा ने जिस तरीके से वो प्रेशर बनाया, थोड़ा सा घूरा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होने के लिए शिफाली का मजबूर किया शिफाली को। अब ये चीज शिफाली को सोचना होगा कि आप जोश में होश ना खोएं। 86 रनों की दरकार, 66 गेंदे संभव है। संभव क्यों है? क्योंकि सामने मैग्लेनिंग है, क्योंकि उनके पास कला है वो गैप ढूंढने की, उनके पास कला है वो मैच को घुमाने की और मैच को चलाने की। पहली गेंद पे प्रेशर गेंदबाज पर डाल देती है। अभी स्पेल का वो शुरुआत वो चौके के साथ। तू कवर्स में फिर भी चौका, स्पेल का शुरुआत हो तो बतौर स्पिनर ये बेहतर रहता। यही सोच के साथ पहला गेंद गिनना चाहिए कि ओवर पिच भी हो जाए तो वो एक बेहतर गेंद है शॉर्ट बॉल से, क्योंकि जब चौका भी लगता है तो फिर आपको पता कि आप अपनी लेंथ में कॉम्पनसेट करेंगे तो वो चीज एक बैटर भी रीड कर लेता। ये फ्लाइटेड गेंद और थोड़ा सा वो घुमाव भी फिर आपको प्राप्त होता। TV umpire to director, we have an umpire referee for stumping. Feet check, it's a fair repeat. Can we start with the first observation, please? Ball passes close to the outside edge. Can we confirm that umpire is prepared to go back, please? Keep it rolling. Thank you. Flat line as the ball passes the back. Satisfied, no bat in work. We can move to the first side on a heading. Directed cleanly, leaving under the gates. Batter's foot grounded. Thank you. I'm satisfied. Batter's grounded of foot behind the popping base and the wicket is put down. सही समय पे वो पांव वापस क्रीज के अंदर आया था। दो अच्छी गेंदें डालने के बाद फिर वो फॉलो अप डिलीवरी। अब आप विकेट्स कैसे मिलती है जब आप दो लगातार अच्छी गेंदें डालते हैं, तो फिर वो फॉलो अप डिलीवरी, उसके बाद फिर आगे ही खिलाने की कोशिश कीजिए। और अब 30 गेंदे खेल चुकी हैं। 30 गेंदे खेलने के बाद ये रनों की रफ्तार बढ़ा देती है। 175 के स्ट्राइक रेट से फिर रन बनाना स्टार्ट होता है। इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना, वो है इनिंग बिल्ड करना, इसलिए वो 30 गेंदों के बाद आपको 175 की स्ट्राइक रेट नजर आ रही है। सेट होने के बाद ये वो खिलाड़ी है जो आसानी से अपनी विकेट देती नहीं है। ऐसे थोड़ी आप ट्रॉफीज उठाते हैं, वो बैक टू बैक। ये देखिए, आप क्लास की बात कर रहे थे, आपके सामने पेश है पहली गेंद पे चौका, आखिरी गेंद पे चौका और ऑल हुआ समाप्त 63 for 1। ओवर के बाद तुलना करें, यूपी वॉरियर्स ने 3 विकेट गवा दिए थे, लगातार अंतराल में विकेट गिरती चली गई। उसके पास तो शुभ है, आप एक जब तक बड़ा स्कोर का पीछा नहीं कर रहे तो आप उस पर कुछ और शांति के साथ खेल भी सकते थे, क्योंकि उसको ओपोनेंट का प्रेशर नहीं था। प्रेशर पे एक और वहीं पर यूपी वॉरियर्स के पास वो प्रेशर है कि हमें विकेट चाहिए और विकेट चटकाएंगे, दबाव डालेंगे, मुकाबला जीतेंगे तो फिर प्रतियोगिता में बने रहेंगे। ये मजा है।
टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग का क्रिकेट का क्वींडम का पूरा लुत्फ उठाते हुए अच्छी अच्छी दर्जे की क्रिकेट देखने को मिल रही है रीमा। जी हाँ, देखने को हमें भी मिल रही है और मैदान पे आए उन दर्शकों को भी मिल रही है, ज्यादा अच्छी तादाद में पहुंचे हैं अपनी होम टीम को सपोर्ट करने। लेकिन सोफी को लेके आए हैं, यानी कि सोच और खोज है विकेट की। लेकिन जिसके आप बात कर रहे थे ना, दर्शक पहुंचते मैदान पे, लेकिन कल आप जरूर पहुंचेगा गुजरात जायंट्स के सामने, जो एक जायंट्स परफॉर्मेंस के बाद सामना करेगी डिफेंडिंग चैंपियंस का। और अगर कल मुंबई इंडियंस जीत गई तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, तो हर मुकाबले का जो रोमांच है वो दोहरा है। वो इस विकेट पे किस तरीके से बल्लेबाजी करना है वो गुजरात की टीम जानती है। 199 रन बनाए थे, गेंद ड्रिफ्ट कर रही थी डाउन द लेग साइड। सोफी एकलसन शायद कह रही है कि आप चांस ले लीजिए, विकेट की जरूरत है। पहले एक वो रिव्यू जो लिया था वो गवा दिया था, लेकिन अंत में कप्तान ने ले लिया रिव्यू। TV umpire to director, we have a player review for LEW. Conflict decision is not out. Pink shape is affected the game. Let's start with the front row simulation, please. Ball passes close to the back. Can we have a look at Ultra HD depth from the back of the bat, please? Control in there. Take it all the way. Clear gap between the bat and the ball passes back. Satisfied, no bat and ball. We can move the ball track. Ball back. Pitch between line, impact, umpire's call, and the wickets is missing. Go back to Rafi and P. Rafi, you can save it with this one. Out. You have on screen, you can save it. वो हाफ चांस लग ही रहा था डाउन द लेग साइड, गेंद वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रही थी। अब क्योंकि विकेट चाहिए तो फिर ये उतावलेपन में ये ऐसे निर्णय लेते आप। कमाल का ये शॉट लगाया है चेप्सी, स्टेप आउट करके वो एलिवेशन जो तलाश कर रही थी वो पूरी मिली। मैक्सिमम दर्शकों के बीच में गेंद। देखिए आप आंधी को और कैप्सी को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते, वो अपने हिसाब से खेलना जानती है। पहला प्रहार तो आ चुका है, इस बार हट के मारना चाहती है। संपर्क उतना अच्छा है नहीं, हैरिस उसी गलती का वहां पे इंतजार कर रही थी। टॉफी को आपने एक बड़ा शॉट मार दिया, लेकिन बार बार वो आपको ये तोहफा देती नहीं है, वो लेती है आपके विकेट। कैप्सी को अपने झांसे में फंसाया और चलता किया। बड़ी विकेट यूपी वॉरियर्स विकेट की तलाश कर ही रही थी। 47 रनों की साझेदारी तोड़नी जरूरी थी और जल्दी तोड़नी। छक्का खाया था लेकिन उसके बाद फ्लाइटेड गेंद में फंसाया वहां पे। कैप्सी 15 रन बना के वापस पहुंच गए 69 पे। दो जेमी रॉड्रिग्स 146 का स्ट्राइक रेट, मजबूत बैटिंग लाइनअप दिल्ली कैपिटल्स की।
अभी भी 70 रन चाहिए, 54 गेंदे। पिछले ओवर में बड़ी विकेट थी, बड़ी विकेट कैप्सी की, वो 47 रनों की साझेदारी थोड़ी। अभी अगले दो तीन ओवर बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे यूपी वॉरियर्स के लिए गेम में वापस आने के लिए। और सोफी ने उसी तरीके से गेंद डालते, बस थोड़ा सा उसको धीमा कर दिया था पिछली गेंद से, जिस पे छक्का पड़ा था, इसलिए वो कनेक्शन उतना अच्छा था नहीं। और कैप्सी इसी तरीके से खेलती हैं। अब यहाँ पे अगर यूपी वॉरियर्स को और दबाव बनाना है ना, तो अगर ये साझेदारी टूटेगी ना, और दबाव बनेगा, क्योंकि इसके बाद ऑलराउंडर्स की झड़ी लगेगी। सदरलैंड है, राधा यादव है, शिखा पांडे है, सोफिया एकलसन टाइट गेंद थी, अगेंस्ट स्पिन खेल रही थी, वो टाइम नहीं कर पाई, और वो चेहरे पे मुस्कुराहट बताती है कि मैं तो सिर्फ विकेट खरीदने को ही देख रही थी, क्योंकि छक्का लग भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गेम के दृष्टिकोण से उस समय विकेट मिलती वो ज्यादा जरूरी थी। तो बहुत अच्छी सोच और अनुभव का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। लेकिन कैप्सी आउट हुई है ना, तो आए भी तो एक बढ़िया बल्लेबाज है जेमिमा रॉड्रिक्स। सोफी एकलसन ने अपना काम कर दिया, एक विकेट तो चिपका दी। अब सेट मैकग्लेनिंग है सामने, और सामने उनके आई है साथ में जेमिमा रॉड्रिक्स, पिछले मैच की सुपरस्टार, प्लेयर ऑफ द मैच, एक मैच विनिंग नॉक खेल के गई थी। मौका मौका, लेकिन फाइन लेग के ऊपर से रन्स मिलेंगे यहाँ, चार। मैकग्लेनिंग ने सोच लिया है कि जो उनके जोन में होगा ना, वो रन्स लेके जाएंगी। स्वीप नीचे खेलने को देख रहे थे, वो अतिरिक्त उछाल, वो टॉप एज, लेकिन वो शॉट में उतनी ताकत थी कि वो शॉट फाइनल लेग के सर के ऊपर से निकल गया। तो ये थोड़ा बहुत भाग्य यूपी वॉरियर्स की तरफ जाएगा, तो फिर ये मुकाबला और इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी भी यहाँ 64 रन चाहिए, और ये लगभग 8 रन प्रति ओवर, बड़ी जल्दी 9-9.5 बन जाते हैं। अगर मैकग्लेनिंग को आप आउट कर लेते हैं तो ये मुकाबला वो फंसेगा। 44 नवाद, ऑरेंज कैप इनके सर पे, 7 रन इस ओवर से 76 पे। WPL के सीजन 1 में भी ऑरेंज कैप, और सीजन 2 में भी अब तक 6 मैचेस में 246 रन्स, और अभी ऑरेंज कैप उनके पास मैकग्लेनिंग, कंसिस्टेंट रही है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये जो शॉट्स वो मार रही है ऑफ साइड पर, चाहे कितने भी फील्डर्स हो, आसानी से कैप ढूंढ रही है मैकग्लेनिंग। राजेश्वरी गायकवाड़, इतनी ज्यादा छोटी गेंद थी नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी आप बाहर देंगे ना इस खिलाड़ी को। ये 50 रन पूरे, ये तीसरी लगातार हाफ सेंचुरी है मैकग्लेनिंग की। कंसिस्टेंसी और क्लास से भरी होती है उनकी हर एक इनिंग। उस बैटर का नाम है मेगा स्टार मैकग्लेनिंग। क्या लाइनें बोल दी प्रसन्न सर आपने प्रसन्न कर दिया गौहर सुल्ताना। लगातार वो तीसरा चौका आता हुआ, जी हाँ, अब जो वो स्ट्राइक रेट जिस तरीके से उसमें बढ़ोतरी होती है ना, वो दिखाती भी लाइनिंग बार बार, 30 गेंदे फेस करने के बाद जो रुख बदलता है ना इस बैटर का, वो कहीं ना कहीं ये स्कोर चेज करने के आपको और पास लेके जाता है। 84% बाउंड्रीज, क्योंकि अब तक 57 पर बैटिंग करी है मैकग्लेनिंग, और 12 बाउंड्रीज लगा चुकी है।
इस ओवर में भी तीन लगातार चौके और इस दूसरे सीजन में तीन लगातार हाफ सेंचुरीज, टोटल चार हाफ सेंचुरीज। कैप्टन मैग लैनिंग क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है आज कैप्टनसी में। गेंदबाजी में बदलाव भी अच्छे किए, रोटेट अच्छा किया गेंदबाजों को, 145 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी, 12 बाउंड्रीज, 58 पर बैटिंग कर रही है। आज शेफाली वर्मा पावर प्ले में आउट हो गई थी, पर उसके बाद भी ये कंसिस्टेंसी की एक एग्जांपल है मैग लैनिंग। यही तो वो काम है ना जो वो बेहतर करती है बाकियों से। और अगर बात करें यूपी के खिलाफ जब पहला वो मैच हुआ था, फिर भी वो 50 रन, तीसरा 50 पे, जीजी के अगेंस्ट 50 रन, और आज फिर से यूपी के सामने। मुझे लगता है यूपी इनकी फेवरेट भी टीम है। ओवर की समाप्ति 91-2। रन्स किया इन इमारतों पर अगर ध्यान देंगे तो यही दिखाता है कि जब भी मैग लैनिंग ने वो चौके मारे हैं पिछले ओवर में भी, वो तीन चौके आए थे और तीन लगातार चौके, और जिस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रही है, 140 के स्ट्राइक रेट से 12 चौके, 59 पर मैग लैनिंग बल्लेबाजी कर रही है। कैप्टन है दिल्ली कैपिटल्स और पिछले 5 मैचेस में चार हाफ सेंचुरीज और तीन लगातार हाफ सेंचुरीज गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के खिलाफ। फॉर्म हो तो मैग लैनिंग जैसा। या ये देखिए वो शॉट, पुल शॉट, स्क्वायर ड्राइव, कोई भी गेंदबाज हो चुपती नहीं है वो, हल्का सा भी आप उनको जगह देगी ना और ज्यादा बना लेगी। और बढ़िया फॉरवर्ड ड्राइव, फुल शॉट्स, एक के बाद एक, हर तरीके के शॉट्स। और अब ये जो कॉन्टेस्ट है ना, कि मेरे को इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, लैनिंग सामने है, दीप्ति जब गेंदबाजी कर रही है, क्योंकि दिन उनका भी आज बढ़िया जा रहा है अभी तक। अगर गेंदबाजी की भी बात करें तो तीसरा ओवर है, इकॉनमी फिर भी बेहतर। तीन डॉट बॉल्स डाले थे उसके बाद ये सिंगल। मैग लैनिंग के उस इनिंग्स के बारे में सुषमा जब आप बात कर रही थी, 60 पर अभी वो बैटिंग कर रही है 45 गेंदों में, पर जिस तरह से वो पुल शॉट्स मारती है, फास्ट हैंड्स, गेंद अगर थोड़ी भी शॉट हो ऑफ साइड पर, मिडिल स्टंप पर या लेग स्टंप पर, जिस तरह से वो पुल और कट शॉट्स मारती है, और उससे भी ज्यादा जिस आसानी से गैप्स ढूंढती है मैग लैनिंग। बिल्कुल, अब बढ़िया वो विश्लेषण आपने किया कि, और मुझे लगता है ना बॉलर भी थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूज रहता है कि और बार जब बैटर कोई और सामने है ना, तो इतना बढ़िया वो ना गैप मिलता है ना टाइमिंग मिलती है। ये है TataPunch.ev, हर तरह के रास्तों पर एक परफेक्ट SUV साबित होती है TataPunch.ev, जैसे एक परफेक्ट बैटर यहाँ पर साबित हो रही है इस दूसरे सीजन में। अपील है और आउट दे दिया है। दीप्ति शर्मा ने आज बैटिंग भी अच्छी की थी और ये गेंदबाजी में बड़ी सफलता पर रिव्यू ले लिया है मैग लैनिंग ने। TV umpire to director, we have a player review for every review. On-field decision is out. Please check it's a fair delivery. Let's start with the front on stimulation, please. Stimulation coming up.
ball pass comes close to the back, and we have a little bit untouched, then the bat in the back place. Keep it moving there. We have gap between bat and ball there. Keep it moving. Please. You can clear a gap between bat and ball. Satisfy the whole bat and ball. We can do four tracking, please. Four tracking coming up. In line, and the wickets are sitting, and go back to Parashar on feet. Parashar, you can stay with your decision of out. You on screen, you can see them. Review Gawaya or wicket B. Pick Lanning, 7 per out, 93 per 3, Delhi Capitals. और एक बड़ी सफलता यूपी वॉरियर्स ने हासिल की है. मेग लैनिंग जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी एलबीडब्ल्यू राजेश्वरी गायकवाड नए ओवर की शुरुआत इस सिंगल से. पर दीप्ति शर्मा हमेशा वो स्टंप टू स्टंप उनका अटैक और ये बड़ी सफलता. जी हाँ, जिस तरीके का ओवर जा रहा था ना वो लग रहा था बिल्डअप हो रहा था, लेकिन लैनिंग अक्सर ये गलती करते हम देखते नहीं है उनको कि बीच में से वो स्वीप खेलने की कोशिश और मिस भी कर जाए. ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब वो खुद भी अपने ये शॉट सिलेक्शन से खुश नहीं है. लेकिन फेदरलैंड ने किया बाउंड्री से बहुत बहुमूल्य इस समय पर ये 4 रन. शॉर्ट बॉल और लेग स्टंप के बहुत ही बाहर और अच्छा प्लेसमेंट. पर ये था वो एलबीडब्ल्यू अपील ऑन फील्ड. अंपायर ने भी आउट दिया था. मेक लैनिंग ने एक डिस्कशन किया जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ और फिर रिव्यू लेने का उनका फैसला. पर रिव्यू गवाया और विकेट दिया. पर एक अच्छी शुरुआत एनिवल सदरलैंड किया चौके से ऑफ द मार्क और उसके बाद एक सिंगल. क्या ये देखिए नजर डाली उस शॉट पे, वो नजरें हटा ली थी. अगर आप एक बार ऑफ साइड कर देते हैं ना इसको तो मुझे लगता है ज्यादा चांसेस वो मिस करने के ही रहते हैं. और राजेश्वरी गायकवाड़ सामने अभी तक की वो गेंदबाजी इतनी कुछ ज्यादा इफेक्टिव दिखी नहीं है. इकॉनमी पे अगर नजर डालें तो ये कहीं ना कहीं अगली दो गेंदें इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से कम बैक करती है इस ओवर में. एक और विकेट की तलाश में है यूपी वॉरियर्स. बाउंड्री लाइन के बाहर मेग लैनिंग चेस जॉनसन के साथ बातचीत कर रही है. पर यहां पे सदरलैंड नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जॉनसन भी बड़े शॉट्स मार सकती है, हमने देखा है इस सीजन में. शॉर्ट बॉल गेंद हवा में है और ऑन द बाउंस डीप स्क्वायर के पास. एक रन से ओवर की समाप्ति. 100 रन पूरे दिल्ली कैपिटल्स के 15 ओवर के बाद. मानना भी है पर अभी जेमिमा रॉड्रिग्स का यहां पर पिच पर टिके रहना बहुत जरूरी. यूपी वॉरियर्स के साथ
वो आप पहली बॉल पर वो चौका मार के विनिंग रन्स दिलाए थे यार दिल्ली कैपिटल्स को, पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस ग्राउंड पर अरुण जेटली स्टेडियम पर वो पहला मुकाबला था जब होम टीम खेल रही थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और 69 रन की वो शानदार पारी 33 गेंदों में, और जिस तरह से उन्होंने वो अटैक किया था इनसाइड आउट वो शॉट्स मारे थे, मैग लैनिंग तो अच्छी बल्लेबाजी कर ही रही थी तब, पर उसके बाद जो एक्सेलरेट किया उसके वजह से वो स्कोर बना पाए आप दिल्ली कैपिटल्स, और यही करती है जेमिमा रॉड्रिग्स, प्लेस अच्छा करती है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बेहतरीन, और यहां पर भी कॉल दिया था उसी के वजह से ये दो रन आसानी से पूरे, पर वो इनिंग मुंबई इंडियंस के खिलाफ 69 बेहतरीन बल्लेबाजी। जिस तरीके से वो कदमों का इस्तेमाल किया क्रीज के दोनों तरफ वो शॉट्स, और जो सबसे बढ़िया जो था ना वो इस खिलाड़ी ने किया कि खुद के शॉट्स को बैक किया, वो किसी को भी वो कॉपी करने की कोशिश नहीं की कि अगर कोई पावरफुल खेल रहा है तेजी से रन बनाने, खुद को बैक किया, और वही इस समय भी वही सब करने की जरूरत, लेकिन इस समय ड्राइव सीधा लगा दिया है मैगराज के पैर पे, कुछ रन जरूर बचाए वहां पे यार मैगरा ने। पर जिस इनिंग्स के बारे में आप बात कर रही थी सुषमा, जेमिमा रॉड्रिग्स की वो 69 रन की वो इनिंग्स, कि अगर स्टंप पर लगती नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तो सदरलैंड वहां पे करीबी मामला हो सकता था, पर नहीं, चोटिल ज्यादा नहीं हुई है, मैगरा रेडी है गेंदबाजी के लिए। जेमिमा रॉड्रिग्स के वो तो शॉट्स थे बिहाइंड स्क्वायर, ऑफ साइड पर भी, लेग साइड पर भी, बैट का फेस ओपन करके इनफील्ड के ऊपर से जो शॉट्स मारे थे, सिक्सेस भी थे गेंद हवा में, पर फील्डर नहीं है वहां, डिफाइन पर अच्छी कोशिश, श्वेता शेरावत बढ़िया फील्डिंग, इंपॉर्टेंट रहेंगे ये इस सिचुएशन में, ये एक दो दो रन बचाना। बाउंड्री चेक, श्वेता सहरावत टोटल कमिटमेंट, दो रन बचाए टीम के लिए, 27 गेंदे 35 रन। जेमिमा रॉड्रिग्स 9 पर बल्लेबाजी कर रही है, डीप फाइन, डीप मिड विकेट, लॉन्ग गॉन और स्वीपर कवर, ये चार फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर, वही कोशिश की थी कि शॉट जो था सर्कल के अंदर, और वही कोशिश की थी कि प्लेस करे, दिशा दे ताकि वहां रन्स मिले, पर बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ। जी हाँ, वो जो फील्ड प्लेसमेंट है ना वो भली भांति जानती है जेमिमा की, उस जगह से वो अगर कनेक्ट हो गया तो चार ही आएगा, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर जेमिमा ध्यान दे मिड ऑफ और बॉलर के ऊपर से भी, वो इन शॉट्स में भी वो माहिर है, अगर खुद को अप्लाई करेगी ना निकल के तो शायद यहाँ से चार रन आने की संभावना है। ये देखिए वो शॉट, बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बढ़िया स्टेप आउट, पहला काम आपने बढ़िया किया कि आपने ना स्टंप्स कवर किए, और ये आंकड़े 5000 रन पूरे किए जेमिमा रॉड्रिग्स ने T20 में, और उस सिक्स के साथ, शानदार सिक्स के साथ T20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे, एक महान उपलब्धि है जेमिमा रॉड्रिग्स की। 16 ओवर के बाद 111 पर 3 दिल्ली कैपिटल्स, 24 गेंदों में 28 रन की जरूरत है, और समय हो चुका है सेट टायर्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का।